हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चना दाल गोश्त की रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ चने की दाल ली है 1 कप, इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। उसके बाद मैंने कुकर में 1/2 कप तक के सरसों का तेल लिया है, क्योंकि हम सबसे पहले चने की दाल को सॉफ्ट करेंगे। उसके लिए तो मैंने यहाँ थोड़ा सा, जैसे ही गर्म हो जाएगा तेल, उसमें हम थोड़ा सा प्याज डालेंगे। उसके बाद हम इसे हल्का सा गोल्डन करेंगे। उसके बाद हम इसमें दाल डाल देंगे चने की, वॉश करके जो मैंने पहले से रखी थी, उसको भी अच्छे से हम थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के इसमें फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। और इसे कवर करके जब तक कि चने की दाल सॉफ्ट नहीं हो जाती तब तक हम इसे पकाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1/2 किलो तक के मटन लिया है, इसे अच्छे से वॉश कर लिया था। और खड़े मसालों में 3 छोटी इलायची ली है, 6 लौंग ली है, और 2 इंच तक के दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 बड़ी इलायची ली है और 5 तेज़पत्ता लिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर पाउडर मसाले लूँगी। उसमें मैंने लिया है 1 टेबल स्पून तक के लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून तक के हल्दी पाउडर। उसके बाद हम यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए, जिसका हम पेस्ट बनाएंगे। तो हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर मसाले जो हमने निकाले हुए थे, उसे भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे कवर करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे हमारी चने की दाल रेडी है, ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। बस हमें इसे इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगी। इसके बाद मैंने कुकर में 2 कप तक के सरसों का तेल लिया और इसे हम अच्छे से गरम कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज 1/2 कटी हुई। मैंने 1 छोटी प्याज ली थी, जिसे मैंने पहले चने की दाल में फ्राई होने के लिए यूज़ किया था, और 1/2 जो बची है वो मैं इसमें डालूंगी, यूज़ करूंगी। उसके बाद हम इसमें साथ में खड़े मसाले ऐड कर देंगे। उसके बाद जब तक कि थोड़ा सा गोल्डन नहीं हो जाती प्याज, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें मटन ऐड करेंगे और उसे भी फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 4 टेबल स्पून तक के, और इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल ऊज आउट नहीं हो जाता। साथ में ही हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। तो थोड़ी देर के बाद देखिए, यहाँ पे अच्छे से मटन भुन गया है। अब हम इसमें डाल देंगे मसालों वाला पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा था, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे कवर करके हाई फ्लेम पे 2 विसल आने तक के पकाएंगे। जैसे ही 2 विसल आ जाएंगे, इसका प्रेशर रिलीज़ करके इसे ओपन कर लेंगे और मटन को हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल ऊज आउट नहीं हो जाता। तो देखिए, यहाँ पे हाई फ्लेम पे थोड़ी देर पकने के बाद अच्छे से यहाँ मटन भून गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए और इसे कवर करके पकने देंगे, ताकि इसमें जो मटन है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे। तो मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम मीडियम रखी है। तो देखिए, यहाँ पे अच्छे से मटन सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें चने की दाल ऐड करेंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और गैस की फ्लेम मैंने यहाँ हाई रखी है और 1 बॉयल आने तक कि हम इसे कवर करके पकाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे अच्छे से बॉयल आ चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पुदीना, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो पुदीने को ज़रूर ऐड करें। इसके बाद हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके 5 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। तब तक कि मैं यहाँ पे इसका तड़का तैयार कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है देसी घी, और उसमें हम बिल्कुल थोड़ी सी प्याज डालेंगे और इसे गोल्डन होने देंगे, तब तक हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे। और उसके बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून तक के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तो देखिए, थोड़ी देर के बाद अच्छे से यहाँ पे प्याज गोल्डन हो चुकी है। उसके बाद हम इसे चना दाल गोश्त में डालेंगे, तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो इस तड़के को ज़रूर ऐड करें। और देखिए, कितना प्यारा कलर भी आया है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा एट लास्ट गरम मसाला पिंच भर तक के डालेंगे खुशबू के लिए। तो लीजिए, यहाँ पे चना दाल गोश्त तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी फॉलो करें। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।